महाराज जी, गोरखपुर मंदिर में एक युवक धारदार हथियार लेकर घुस गया था। फिलहाल पुलिस ने उसके इरादे फेल कर दिया, उसे पकड़ लिया। क्या लग रहा है, इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। योगी ही विश्व के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं और गोरखपुर का मठ उनका मठ है। साधारणतया बिना योजना के, बिना किसी बड़े षड्यंत्र के, धारदार हथियार लेकर के कोई व्यक्ति वहां प्रवेश नहीं कर सकता। मैं इसकी निंदा करता हूं, परंतु निंदा करने मात्र से इसका हल निकलने वाला नहीं है। कुछ असामाजिक तत्वों के या आस्तीन के सांपों के या अलगाववादियों के इरादे नापाक हैं। मोदी जी और योगी जी के शासनकाल में जो शांति व्यवस्था, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो भाईचारा इस देश में कायम हुआ है, उसमें विष घोलना चाहते हैं। अच्छी बात है कि गोरखपुर के इस कांड में हमारे उन्नाव संसदीय क्षेत्र के भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से एक वीर बालक अनुराग राजपूत ने बहादुरी का परिचय दिया। मैं उसकी बहादुरी को सलाम करता हूं, उनके माँ बाप को सलाम करता हूं और योगी जी से अपेक्षा करता हूं कि कम से कम इस कांड के आधार पर पूरे प्रदेश में एक बार छानबीन ठीक तरह से हो जाए कि कहां कहां ये आस्तीन के सांप छुपे हुए हैं, कहां कहां अलगाववादी छुपे हुए हैं, कौन शांति को भंग करना चाहता है, कौन अमन चैन का दुश्मन है। ये बहुत ही आवश्यक हो गया है। और कुछ लोग हैं, उनकी स्थिति है, एक सांप को कितना भी दूध पिलाओ पर उगलेगा जहर ही। माननीय मोदी जी की लगभग 150 योजनाएं हैं, उन 150 योजनाओं का सर्वाधिक लाभ एक जात विशेष को, समुदाय विशेष को जाता है, लेकिन उसके बाद भी हमारी समझ में नहीं आता वो संतुष्ट क्यों नहीं है। एक तरफ वो डर की बात करते हैं,